अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में हम क्रॉस सेक्शन में ये जो लेबल आता है बाय डिफॉल्ट, किसी पॉइंट पर अगर आपके लेबल मिसिंग है और आपको उसका स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन का लेबल चाहिए तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। और जो स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये उनको अगर हमें रिक्वायर्ड ना हो तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट लेबल है और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रिएट किया हुआ है लेबल, तो इसको इस तरह स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं इस लेबल को जो है मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ये लेबल डिलीट हो गए हैं। अभी हम इनको क्रिएट करके देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो लेबल आता है और ये कैसे आ रहा है और हम इसको अपना न्यू कैसे बना सकते हैं। तो आपने किसी भी क्रॉस सेक्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये जो ऐड न्यू लेबल है, ऐड व्यू लेबल है, यहाँ पे ऑफसेट एलिवेशन है, यहाँ पे आपने अपने पॉइंट को जो है वो जूम कर लेना है और आपने उस पर जैसे ही क्लिक करना है तो ये लेबल जो है बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। आप इसको राइट क्लिक करें या एंटर प्रेस करें तो ये लेबल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट जो लेबल है इसको अगर हम ड्रैग करें तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आती है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस तरह से ये लेबल आता है और यहाँ पे ये जो मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर भी शो हो रहा है यहाँ पे। और अगर हमने इसको हटाना हो तो वो कैसे हटा सकते हैं वो भी हम देखेंगे और इस लेबल को हम थोड़ा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं वो भी देखते हैं। तो आपने इस लेबल को सिलेक्ट करना है। जैसे आप लेबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये जो रिबन है इसमें ये लेबल की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसको आपने यहाँ से जैसे क्लिक किया तो ये विंडो आ गई आपके पास। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसको कोई भी आपने यहाँ पे नाम दे लेना। मैं जस्ट इसको लेबल का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे ये जो जर्नल है, ठीक, लेआउट टैब है, यहाँ से आप अपने हिसाब से इसका साइज जो भी है आप रख लें इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो इसके कलर वगैरह है। अगर आपने इसके कलर और फॉन्ट वगैरह जो है वो करने हों चेंज तो आप यहां से कर सकते हैं। मैं कोई भी एक रैंडम जो है वो इसको दे देता हूं फॉन्ट। और यहां पे अभी हम इसके जो कलर हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ऑफसेट को मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कर दिया है और ये जो एलिवेशन है इसको मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो जस्ट मैं ओके करता हूँ और ओके करता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ये जो है ड्रैग स्टेट, तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे अगर हम ये प्रॉपर्टी इसकी चेंज नहीं करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ लेआउट में जो है यहाँ पे हमने इसका साइज जो है वो 0.4 रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये टेक्स्ट साइज है तो आपने इसको भी 0.4 ही कर देना है। अदरवाइज ये इसका साइज जो है आप चेंज नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही आता रहेगा। तो यहाँ पे बॉर्डर एंड लीडर गैप है, ये जो टेक्स्ट का जो गैप है इसके साथ, ठीक है, उसको हमने 0.1 कर दिया है यहाँ पे। और लीडर का अगर आपने जो है कलर वगैरह चेंज करना तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे मजेंडा कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे ये जो अपना लीडर है, एरो हेड है, इसका साइज है, इसको भी मैं 0.4 कर देता हूँ। ओके, या मैं इसको 0.7 कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो है लीडर टाइप है, लीडर टाइप में आपने एसपी लाइन रख लेना है इसको, तो इससे थोड़ा सा ये खूबसूरत नजर आएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी कैसे चेंज हो गया। यहाँ पे ये फाइल थोड़ी हैवी है इसलिए सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी आप इसको अपने हिसाब से जहाँ भी आपने इसको रखना है आप इसको रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये कैसे जो है इसका
विजिबिलिटी जो है वो चेंज हो गई है। अगर आप इसका मजीद फॉन्ट कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अगर आप एरो का कलर देखें तो वो चेंज नहीं हुआ है। मैं इसको दोबारा करता हूँ। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करनी है, आप रिबन से भी इसको ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। एडिटर में जाना है आपने, यहाँ पे ये जो है लेबल लेआउट था, ओके, और यहाँ पे ड्रैग स्टेट थी, यहाँ पे इसका ये जो कलर है वो हमने मैजेंडा करना है, ओके, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरो का कलर भी चेंज हो गया है। अभी रह गया ये मार्कर, तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप जाएं तो सेटिंग टैब में, ये जो जर्नल की टैब है, यहाँ से मल्टीपल स्टाइल है, मल्टीपल स्टाइल पे आप अगर देखें तो इस मार्कर का ये जो स्टाइल है अभी ये असाइन है, बेसिक सर्कल विद क्रॉस। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसके एडिट में जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्कर है और इसको मैं यहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्ट कर दूं, ठीक है, अप्लाई, ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला इसके साथ जो ऑप्शन है वो भी चेक था, ओके, और यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ चेक, और यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। मैंने इसको किया है तो ये यहाँ पे ये आ गया है। अगर मैं सर्कल करता हूँ तो यहाँ पे ये सर्कल भी आ जाता है, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, या अगर आप इसको यहाँ से ये लेयर ऑफ कर दें तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते यहाँ से, ठीक है, आपने जस्ट इस लेबल को सिलेक्ट करना है, ओके, और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी की विंडो है, ये लेफ्ट साइड में ये जो प्रॉपर्टी की विंडो है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मार्कर स्टाइल की एक ऑप्शन आती है। यहाँ से अगर आप इसको कोई दूसरा स्टाइल असाइन करें तो ये यहाँ से आ जाता है, और अगर आप यहाँ से इसको नो मार्कर पे करें तो यहाँ से ये चला जाता है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप इस लेबल को कैसे कंपोज कर सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।